मंडल परिवहन अधिकारी विमलेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के आदेश अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह के निर्देश में 2-3 दिन पहले जिले के समस्त बस संचालकों के साथ बैठकर एक मीटिंग की गई, जिसमें कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बसों में यात्रियों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के साथ बसों में सैनिटाइजर रखने, बसों को सैनिटाइजर द्वारा सैनिटाइज्ड के उपरांत ही बस संचालित करने की सलाह दी गई। 23 मार्च को मंडला बस स्टैंड में बसों की चेकिंग की गई एवं यात्रियों को मास्क का उपयोग करने की सलाह दी। बस मालिकों को बस में यात्रियों को मास्क लगाने को प्रेरित किया एवं यात्रियों को मास्क वितरण किया गया। बस मालिकों को यात्री बसों में यात्रियों को बिना मास्क बस में प्रवेश न देने को निर्देशित किया। जिले में संचालित ऑटो रिक्शा एवं अन्य वाहनों की चेकिंग करते हुए ओवरलोड, फिटनेस परमिट, लाइसेंस न मिलने पर कार्रवाई में 6 वाहनों से 74,000 रुपये समन शुल्क वसूला गया। साथ ही मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत 2 ऑटो रिक्शा क्रमांक MP50-1R3074 एवं MP51-2895 ओवरलोड एवं दस्तावेज में कमी के कारण थाना महराजपुर में जब्त किए गए। चेकिंग में जिला परिवहन अधिकारी विमलेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर 21 मार्च से 31 मार्च तक पूर्ण रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद यदि बस मालिक अपनी बसों में यात्रियों को बिना मास्क प्रवेश देता है तो परिवहन विभाग की तरफ से परमिट शर्तों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में उनके साथ परिवहन कार्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। मंडला से असगर जैदी की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। फिर से एक बार, तो इसमें आरटीओ विभाग की तरफ से अपने आपको क्या निर्देश मिले हैं और आपने जनता को जागरूक करने के लिए क्या किया? हमने अभी 2-3 दिन पहले यहाँ कार्यालय में सभी जिले के जो बस ऑपरेटर से इनकी मीटिंग बुलाई है, उनको स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि किसी भी यात्री को बिना मास्क लगाने पर ही उनको प्रवेश दिया जाए। मास्क निश्चित रूप से लगाया जाए और बसों को सैनिटाइज किया जाए और सैनिटाइजर रखा जाए बस में। इसके अलावा आज बस स्टैंड में सभी बस जो ऑपरेटर्स उनकी उपस्थिति में उनको भी बुलाया था, वहाँ सभी बसों की जांच की गई है और यात्रियों को भी प्रेरित किया गया कि मास्क लगाएं और मास्क वितरण भी किया गया है यात्रियों को। यदि कोई मास्क नहीं लगा रहा है उसके लिए क्या कार्रवाई निश्चित की है? नहीं, पहले तो अपन जागरूकता अभियान के रूप में उनको प्रेरित कर रहे हैं और यदि लगातार देखेंगे भाई कोई बस ऑपरेटर में की बस है और वो मास्क नहीं लगे तो उनमें फिर परमिट शर्तों के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या गाड़ियों का आना जाना चालू है और उसमें लिमिटेड सवारी है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की है उन यात्री बसों को स्थित किया।